हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल संगीता फूड शो पे स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ कढ़ी पकौड़े की रेसिपी। तो अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बेल की घंटी को ज़रूर बजाएं जिससे कि आपको नई नई रेसिपी की देखने को मिलती रहे। मैंने लिए हैं आधा किलो दही और 250 ग्राम बेसन। मैंने दही को अच्छे से फैट लिया था और मैंने बेसन को छान कर मैं दही के अंदर डालूंगी और फिर एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। कढ़ी बनाते हुए हमें बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। कढ़ी में जब तक उबाल ना आए तब तक हम उसे कंटिन्यू चलाना है और उबाल आने के बाद ही नमक डालना है। और कढ़ी को कम से कम आधा से एक घंटा पकाना है। जितना ज़्यादा कढ़ी पकती है कढ़ी का टेस्ट उतना ज़्यादा आता है। ये बस कढ़ी का बैटर तैयार हो गया है और हम कुछ ले लेंगे मसाले। 50 ml के करीब मैंने तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल है, मैंने नमक टेस्ट के अनुसार लिया है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन और मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च ले लिए हैं, 3 चम्मच के करीब मैंने धनिया लिया है और 3 चम्मच हल्दी और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया। एक छोटी प्याज है जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। ये थोड़े से कड़ी पत्ते ले लिए हैं, कुछ ले लिए मैंने साबुत लाल मिर्च और 1 पिंच के करीब मैंने लिए हींग। बस अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। अब गहरे तले का कोई भी बर्तन ले लेंगे और उसमें मैंने डाल दिया तेल। और बस इसमें हम डालेंगे पहले जीरा, जीरे को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद डालेंगे अजवाइन और फिर हम डाल देंगे साबुत लाल मिर्च। साबुत लाल मिर्च का तड़का जब हम कढ़ी में देते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में बीच बीच में आती है तो अच्छी लगती है। ये थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, ये मिर्च डाल दिए मैंने और धनिया, इनको अच्छे से भून लेंगे। गैस को सिम रखेंगे और थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे कि हमारे मसाले जले ना। और ये बैटर तैयार है, इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूंगी। ये मुझे काफ़ी गाढ़ा लग रहा था तो मैंने इसे थोड़ा पतला कर लिया है। मैं पतली वाली कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी को पकते पकते जब हम पकाते हैं बेसन की वजह से थोड़ा टाइट हो जाती है, इसलिए इसको हमें पतला रखना पड़ता है। बस अब मैं इसे कंटिन्यू चलाऊंगी, एक ही साइड में चला रही हूँ इसे और जब तक उबाल आएगा मैं इसे चलाती रहूँगी। देखो इसमें उबाल आ गया है और अब इस स्टेज पर आकर इसमें डाल देंगे नमक। इसको बस पकने देंगे, तब तक हम करेंगे अपनी कढ़ी की तैयारी, पकौड़ी की तैयारी। कढ़ी हमारी पक रही है, इसके लिए मैंने लिया 1 बाउल बेसन। अगर आपको ज़्यादा पकौड़ी बनानी है तो ज़्यादा बेसन ले लीजिए। थोड़ी सी हल्दी डाल दी 1 पिंच के करीब। हल्दी बस यहाँ पे मैंने कलर के लिए डाली है। थोड़ी सी मैंने डाल दी है प्याज, जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया था। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा मैंने डाल दिया भुना जीरा, थोड़ी सी अजवाइन और लाल मिर्च। और इसमें हम डालेंगे 1 पिंच के करीब हींग, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, मैं अभी नमक नहीं डालूंगी। नमक मैं बेसन को 10 मिनट को रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी। अगर मैं पहले ही नमक डाल दूंगी तो कड़ी पकौड़ियाँ क्या होती हैं टाइट हो जाती हैं, इसलिए 10 मिनट बाद इसमें नमक डालें, इससे हमारी पकौड़ियाँ सॉफ्ट रहेंगी। और बस अब बनाते हैं पकौड़ियाँ। इसे ऐसे बना लीजिए, नहीं तो आप हाथ से भी बना सकती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये देखो बस इसको हम निकाल लेंगे एक पेपर के ऊपर, तो मैंने पेपर के ऊपर डाल लिया है। अभी मैं इसे निकाल के दिखाऊंगी आपको। ये देखो किस तरह से ये सॉफ्ट हो गई है, कढ़ी भी हमारी पक चुकी है। ये इसमें जो ऑयल हमने इस्तेमाल किया था ऊपर आ गया, तो हमें इससे भी महसूस होता है, पता चल जाता है कि हमारी कढ़ी पक गई है। अब कढ़ी हम देंगे कढ़ी में तड़का। ये मैंने ले लिया कढ़ी पत्ता, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लिया, ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ी सी प्याज चॉप करके, इनको भी भून लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे हल्का ही भूनना है। और उसमें मैंने डाल दिया देगी मिर्च, ये कलर के लिए डालिए। और बस इसमें मैं डाल दूँगी, ये मैंने इसमें तड़का लगा दिया है
और अब मैं इसे सर्व करूँगी। ये देखिए थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाल दी क्रश करके, और अब मैं इसमें डालूँगी पकौड़ी। हमेशा पकौड़ी कढ़ी पकने के बाद ही डालें, गरम गरम अगर गैस पर बनती हुई भी डाल दें तो हमारी पकौड़ियाँ घुल जाती हैं उसमें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।